हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। दोस्तों, गल्फ नौकरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, वो इस चीज़ पे बना रहा हूँ कि अगर आप इंडिया से बाहर जॉब करने जाते हो किसी कंट्री में, तो कंपनी आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, खाने का कौन देखता है, रहना कहाँ पे पड़ता है, उसका किराया वगैरह कौन देता है, और अगर हम मार्केट जाते हैं तो मुझे गाड़ी कौन प्रोवाइड करता है, या फिर मैं जाता हूँ तो वहाँ पे कुछ भी करता हूँ तो उसका खर्च कौन देता है, और जब आप इंडिया से आते हो तो फ्लाइट के टिकट के पैसे कौन देते हैं। अगर आप यहाँ से जाते हो तो फ्लाइट के टिकट के पैसे कौन देते हैं। ओके, आपके पास बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे। आज मैं उसमें से बहुत सारे कन्फ्यूजन को आज मैं आपका दूर करूंगा। ओके, मतलब जो भी फर्स्ट बार आते हैं, जो या फिर जो भी आना चाहते हैं, उसके अंदर बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है कि मैं इस चीज़ को जानूं कि ऐसा कैसे होता है। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा वो लैंग्वेज के बारे में, कि यहाँ पे लैंग्वेज की कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो मैं वो बताऊंगा। ओके, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हो किसी भी कंट्री के लिए, आपकी इंटरव्यू क्लियर हो जाती है, उसके बाद वो वीज़ा आने के बाद वो आपका टिकट वगैरह आता है, तो मैं आपको बता दूँ वीज़ा का खर्च कंपनी उठाती है, आपको 1 भी रुपया उसमें वीज़ा का नहीं लगता है। ओके, उधर से आप आते हो, फ्लाइट की टिकट कंपनी देती है, उससे आपकी 1 भी रुपये नहीं कटते हैं, नहीं लेते हैं वो। और आप जब एयरपोर्ट पे आते हो तो एयरपोर्ट से लाता कौन है, तो वहाँ पे पहले कंपनी के बंदे वहाँ पे पहुँचे रहते हैं आपको रिसीव करने के लिए। एक नंबर प्लेट लिया रहेगा, नेम प्लेट लिया रहेगा, उस पर आपका नेम लिखा रहेगा, कंपनी का नाम लिखा रहेगा, आप देखो वो मेरा नाम है, कंपनी का नाम है। ओके, चलो, बैठाएगा आपको गाड़ी में और लेके आ जाएगा कंपनी का बंदा। ओके, और जब आप कंपनी में आओगे तो आपको कुछ पैसे एडवांस दिए जाएंगे कि आप भाई सिम खरीद लो, या फिर जो भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, जो भी आपकी पहला आवश्यकता का चीज़ है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। ओके, और उसके बाद रहने का बहुत अच्छा देगा आपको, 24 आवर बिजली, 24 आवर बिजली रहता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और उसके बाद रहने का फ्री रहता है, आपके सैलरी में से 1 भी रुपया नहीं कटते हैं। खाने का, जिस तरह आप लोग हॉस्टल में रहे होंगे तो हॉस्टल में मेस होता है, वैसे ही मेस होता है, आप वहाँ पे जाके मेस में टाइमली खा सकते हो। लंच में भी आपको कंपनी ये बस से भेजती है, वहाँ जाके खाना खा सकते हो, सुबह में जॉब जाने से पहले उसमें नाश्ता कर सकते हो, और शाम को भी नाश्ता देती है, और रात को खाना देती है। ओके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके उसमें से कोई भी चार्ज नहीं काटे जाते हैं। ओके, और दूसरा, गल्फ कंट्री में फ्राइडे के फ्राइडे छुट्टी रहती है, फ्राइडे के फ्राइडे कंपनी आपको मार्केट ले जाएगी, मार्केट ले जाके आपको जो भी शॉपिंग वगैरह करना है आप वहाँ पे कर सकते हो। मार्केट की बस जा कंपनी की बस जाती है, बोलेगी कि इतना घंटा मैं यहाँ पे रहूँगा, आप लोग मार्केट कर लो, फिर यहीं पे आ जाना, फिर वहाँ से आप बस पकड़ के आ सकते हो। उसकी भी आपके सैलरी से 1 भी रुपये डिडक्ट नहीं होते हैं। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, खाने का खर्च उठाई कंपनी, आप एयरपोर्ट पे आए वो भी कंपनी उठाई, टिकट की भी कंपनी उठाई। और अगर आप 2 साल में घर जाते हो, 2 साल से पहले भी आप घर जा सकते हो, इमरजेंसी छुट्टी, अगर आपके पास, आपके घर पे अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप जा सकते हो इमिडिएटली, लेकिन कंपनी का ये रूल है, अगर 2 साल के बाद अगर आप जाते हो तो कंपनी आपको फ्लाइट की टिकट देगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसमें से कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे। ओके, और उधर से आने की भी कंपनी ही देगी, 2 महीने की छुट्टी देगी और वो 2 महीने आपको सैलरी देगी, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ओके, तो वो उधर से आने की भी टिकट देगी, उसकी भी आपसे कोई चार्जेस नहीं लगेगी। ओके, और दोस्तों अगर मेरे से कोई भी चीज़ अगर छूट गया हो जिसके बारे में मैं ना बता पाया हूँ, अगर आप पूछना चाहें मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा, आप कोई भी चीज़ पूछना चाहें आप वो चीज़ पूछ सकते हैं। ओके, और आप प्लीज़ मेरे को ये ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताना, ठीक है, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो